पट्टी साहब बात करते पैसे इकट्ठे होने की, सर टूर प्लाजा तो उन्होंने दिया नहीं, पैसे भी इतने बच रहे हैं तो वहाँ से भी वो निकल गए चुप करके। मैं अर्ज करूँ इसमें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो अचीव करना था वो कर दिया उन्होंने। अच्छा, वो इररेलीवेंट थे पॉलिटिकली, कोई उनका नाम लेने के लिए पाकिस्तान में तैयार नहीं था, कहीं डिस्कशन नहीं हो रही थी। आपने पिछले कोई एक डेढ़ साल से उनका कोई नुमाइंदा किसी टॉक शो में किसी जगह पर आपने देखा? पिछले डेढ़ महीने से तवातर के साथ वो टेलीविजन पर आए, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजल, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, ये नाम लिया गया पाकिस्तान में। उनका कुछ पॉलिटिकल रिवाइवल हुआ, वो अंडर डिस्कशन आए हैं, उनकी एहसास कमतरी जो थी कि वो बिल्कुल इररेलीवेंट हो गए, वो थोड़ी सी दूर हो गई है। ज़हनी तौर पे उनको एक आसूदगी इससे मिली होगी। एक तो PMLN ने इससे फ़ायदा उठाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे मजीद फ़ायदा उठाएगी। याद रखें, रिपोर्टर की तरह सोचें, एक सहाफ़ी की तरह सोचें तो आपको समझ आएगी कि मौलाना अगर सीरियस होते तो वहां से निकलते जहां ताकत उनके पास है। कराची से उन्होंने स्टार्ट किया। कराची से क्यों निकल रहे हैं? ड्रामा सब। मौलाना निकलते DI खान से, मौलाना निकलते बनू से, ठीक, मौलाना निकलते स्वाबी से, मौलाना निकलते बलूचिस्तान से, जहां ताकत उनके पास है, जहां उनके पास लोग हैं, जहां उनके पास टीमें हैं, जहां वो मार्च पास दिखाते रहे। अगर तो उन्होंने हुकूमत को चैलेंज करना होता या टकराव देना होता या हुकूमत को टक्कर देने का उनका इरादा होता या जो बातें वो करते रहे उनके जर्नैल, मैं मौलाना साहब के जनरल्स की बात कर रहा हूँ, जो उनकी अपनी पर्सनल फोर्स है उसके जो जनरल्स थे उनमें एक बड़े अहम कमांडर गिरफ्तार हुए हैं, दो फौजी गायब हो गए, एक अब्दुल्ला साहब, एक तो गैर मुल्की डिक्लेयर हो गए, वो तो एलियन है, वो तो है ही नहीं, और एक को गिरफ्तार। अच्छा वैसे अब्दुल्ला साहब को भी मैं हैरान हूँ, कौन कौन से ओहदों से होते 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 आज हमें पता चलता है कि ये बंदा जो है, एक दौर में हम सुनते थे कि एक पाकिस्तान की फौज में, ये वैसे सुनने में आई थी बात, पता नहीं उसकी सदाकत का या कोई तस्दीक कर सकता नहीं, वो बंदा भर्ती हो गया था जो भारतीय जासूस था और फिर बाद में वो पकड़ा भी गया था, लेकिन वो काफ़ी देर बाद पता चला था कि ये जासूस है। और वो लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि एक आदमी सेनेट में बैठ गया, जाके सूबाई वजीर बन गया सेहत का, पूरी काबीना का हिस्सा बन गया, हर चीज़ वो आपके मुल्क की जानता था और वो पाकिस्तानी नहीं है, ये एक अजीब चीज़ है। मुफ्ती कफायतुल्ला उनको तो पकड़ा ही जाना चाहिए था वैसे जो वो कर रहे थे।